यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में मौसम खुशनुमा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि विभाग ने ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है, साथ ही चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 12 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मौसम बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं पर बादल काली छाया बनाकर गरज रहे हैं तो कहीं पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, मनाली, नाहन और पालमपुर पांवटा साहिब की ये तस्वीरें हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और कहीं पर काले बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रेमलाल हमारे संवाददाता लाहौल स्पीति से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति में किस तरीके का मौसम है, क्या कुछ स्थिति है? जी सीमा, लाहौल स्पीति में एक बार फिर जो है बर्फ की चादर से पूरा लाहौल जो ढक गया है जी, जिसके चलते जो पूरा इलाका जो है बंद फिर से ठंड की चपेट में आ गया है। और यहाँ जो गांवों की आवाजाही चल रही थी जिनके काफी समय से, तो उसमें भी फिलहाल विराम लग गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो किसान और बागवान उनके चेहरे जो है खिल गए हैं, वो काफी समय से जो इस बर्फबारी का और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जी, सुबह से अभी थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी बर्फ थम गई है और बारिश भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये फिलहाल मौसम जो बिल्कुल ठंडा हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलाल तमाम जानकारी देने के लिए। मनाली से नितिन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, मनाली के क्या कुछ हालात है, किस तरह का मौसम है? जी शीनम, जैसे कि आज सुबह से जो निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊपले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है जी, उससे मनाली सहित समूची घाटी में जो है शीतलहर सी दौड़ पड़ी है। ठंड का प्रकोप बहुत अधिक हो गया है और लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऊंची चोटियों पर जो है बर्फबारी का क्रम जारी है, जिससे जो है आगामी जो सेब की फसल है उसको खराब होने के आसार बने हुए हैं। जी शीनम जी बिल्कुल। नितिन, अगर बात की जाए पर्यटकों की, क्योंकि मनाली में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, तो पर्यटकों का क्या रुख है इस मौसम को लेकर? जी, जैसा कि जो भी पर्यटक मनाली आता है उनकी पहली चाह जो है यहाँ पर आकर बर्फबारी को देखने की होती है जी। तो इस बार जो ये बर्फबारी हुई है ये सोलंग नाला, कोठी, गुलाबा सभी पर्यटन स्थलों में हुई है जी। और जो पर्यटक यहाँ आए वो काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और उन्हें जो बर्फ जो नजदीक देखने को मिलेगी और लोगों ने जो है पर्यटन स्थल सोलंग नाला की ओर अपना रुख कर दिया है। जी शीनम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। पालमपुर से हमारे संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, पालमपुर की क्या कुछ हालात हैं और पालमपुर में मौसम कैसा है? देखिए, इस बार लगातार सर्दी में इतनी बारिश नहीं हुई थी ना बर्फबारी हुई थी, लेकिन जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ तो शुरू से पिछले 5-6 दिन से लगातार मौसम खराब चल रहा है और पिछले कल रात से धौलाधार की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे फरवरी के महीने में जैसे बर्फबारी होती थी। लोग शहर में देखा जा सकता है गर्म कपड़े निकाल करके पहन लिए हैं लोगों ने। इस बार फिर ठंड का मौसम जो है वो पालमपुर में देखा जा सकता है और साथ ही साथ क्योंकि ये अप्रैल में अब बर्फबारी हुई है तो अभी जैसे सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने भी राहत की सांस ली है क्योंकि इस बार पानी की गंभीर समस्या जो है वो होने वाली थी। तो एक सब तरफ से देखा जाए तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो गेहूं की फसल के लिए किसानों के लिए एक बुरी खबर ये है कि गेहूं की फसल पक चुकी है और ऊपर से बारिश हो रही है तो उनके लिए जरूर एक बुरी खबर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। प्रेम वर्मा जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर पांवटा साहिब से। प्रेम वर्मा, पांवटा साहिब की अगर बात की जाए वहां पर मौसम कैसा है? जी शीनम, मैं बताना चाहूंगा सुबह सुबह ही आज यहाँ पर मौसम अचानक खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बारिश से जो यहाँ पर गेहूं की फसल है ये खराब होने का डर अब किसानों को सताने लगा है क्योंकि बीते कल रोज भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और जमकर ओलावृष्टि हुई है पहाड़ी इलाकों में और यहाँ पर किसानों की जितनी भी फसल थी ये लगभग खराब होने की कगार पर आ गई है। अभी की अगर बात करें तो अभी मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है और धूप निकल कर आई है, लेकिन आसमान में कुछ जगह पर पहाड़ी इलाकों में खासकर बादल देखने को मिल रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम वर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। मोहम्मद आशिक हमारे संवाददाता सलूनी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, अगर सलूनी की बात कर ली जाए, वहां पर लोगों में किस तरह की आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, किस तरीके का मौसम को लेकर लोगों का रुख देखने को मिल रहा है? जी, लोगों में काफी खुशी है क्योंकि कई दिनों से जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, चारों ओर धूल ही धूल हो गई थी जिससे बच्चे बीमार हो रहे थे और जब बच्चे स्कूल को जाते थे तो धूल से उनकी वर्दियां खराब हो जाती थी जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन कल से ही कल और आज बारिश हो रही है यहाँ और अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक रुक के हो रही है। लोगों में काफी खुशी है और जो बागवान लोग हैं उन्हें ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो फसल लगाई थी, जैसे कई लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं, अभी कई लोग गोभी की फसल लगा रहे हैं, तो कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, उनकी जो छोटी छोटी बूटियां होती हैं वो सूखने लग पड़ी थी, लेकिन बागवानों में भी काफी खुशी है बारिश को लेकर। तो चाहे बागवान हो या फिर कोई और आम लोग हो, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है प्रदेश में, जिससे सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।